इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ CGL 19 के रिगार्डिंग और CHSL 19 के रिगार्डिंग। देखो, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप CHSL और CGL 19 वाले को भूल गए, आप सिर्फ फोकस कर रहे हो CGL 18 पर। और मेरे चैनल पर मैक्सिमम लोग CGL 19 के हो, ये मुझे पता है। तो यार देखो, अभी तो पता है आपको कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही है रिगार्डिंग रिजल्ट स्टेटस के, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन। रीज़न उसका देखो यही है, स्टाफ बहुत कम आ रहा है और सारे मंत्रालयों में जहाँ जितने भी हैं, आज जो अप्रैल का महीना गया है उसमें बहुत ही कम स्टाफ रहे हैं और कोई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा, रिप्लाई कोई RTI का नहीं आ रहा है, सबको पता है ये चीज़। लेकिन हम ये कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे CGL 18 का ज्वाइनिंग आ रहा है, मैं उससे रिलेटेड आपको बताता हूँ कि क्या बेनिफिट आपको हो सकता है CGL 19 और CHSL 19 को, ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूँ आपको कि आपको ये पता ही है कि रिज़ल्ट आपका डिले होगा, मतलब 18 का 19 का CGL 19 CHSL 19 दोनों का ही रिज़ल्ट डिले होने वाला है। बिकॉज अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका टाइपिंग होगा और उसके बाद कहीं जा कर के आपको फाइनल लिस्ट आती है, राइट। और आपको ये भी पता है कि CGL 18 का बहुत सारी पोस्टों का पोस्ट प्रेफरेंस, मतलब जो आपका स्टेट एलोकेशन का पहले मांगा जाता है, आ गया है। कुछ लोगों के ज्वाइनिंग, जैसे UDC की ज्वाइनिंग भी स्टार्ट होने वाली है जून से, और कुछ पोस्ट हैं जिनका हम अगस्त तक उम्मीद कर सकते हैं कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। CGL 18 का बता रहा हूँ मैं आपको। तो इससे क्या हम लिंक करने वाले हैं, ध्यान से देखना, आप आराम से समझिएगा, शुरू से आखिरी तक देखना, सब कुछ समझ में आपको आएगा। देखिए, पहला जो बेनिफिट होने वाला है, वो बेनिफिट होने वाला है कि जिन लोगों का सिलेक्शन केवल और केवल CHSL में हुआ है, यानी जिनका CGL नहीं निकला हुआ है, CGL 18 में भी कुछ नंबरों से रह गया, CGL 19 में भी कम मार्क्स है, लेकिन CHSL उनके अच्छे स्कोर है, तो आपको बता दूं कि CGL में जिनका 18 में हो गया था, उसमें से 50% स्टूडेंट आपके CGL 19 में भी हैं और CHSL में। आपको ये पता रहता है कि जो बंदा CGL देता है वो 10+2 वाला भी देता है, उसमें भी वो रहते हैं, तो वो सीधा स्किप करने वाले, छोड़ने वाले हैं CHSL का। मैं काफ़ी लोगों को ऐसे जानता हूँ, और इसकी वजह से जिनका कम मार्क्स है उनके अच्छे चांस है। तो आप टाइपिंग करके रखिएगा, जिनका केवल और केवल CHSL में हो रखा है, कोई और ऑप्शन आपके पास अगर नहीं है तो फिलहाल में, राइट, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अब जब भी टाइपिंग, आप ये जरूर आर्गुमेंट करते हो कि पता नहीं कब करवाएंगे, देखो SSC में ये आप अभी स्टार्ट की हो, SSC का ये होता है कि जब वो सुस्त पड़ती है तो एकदम सुस्त पड़ जाती है, और जब करवाने पर आती है अपने सवाल वो एग्ज़ाम्स कराने के पीछे, तो फिर लगातार होती है, आप घबरा जाओगे, राइट, इसको मान के चलना। अभी सब सुस्त पड़ा हुआ, जैसे अभी ये अपने फायर मोड में आएगी आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि सब लाइन से लग जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, एग्ज़ाम्स भी होने लगेंगे, टाइपिंग भी उसी में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, सब होगा। तो इसको करके रखिएगा, आप रेडी करके रखिएगा। अब आप कहोगे कि यार ये अगर ज्वाइनिंग अगर CGL का नहीं आता 18 का, तो फिर क्या लोग जाते हैं कराने के लिए? देखो, अगर मान लो मैं खाली बैठा हूँ और मेरा CGL 18 में भी हो गया है और 10+2 CHSL में भी हो रखा है 19 में, तो मैं अगर खाली हूँ तो मैं सोचूंगा एक बार चलो टाइपिंग दे आता हूँ, खाली हूँ तो एक बार। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की ज्वाइनिंग हो जाती है ना, तो थोड़ा केस बदल जाता है आपका, कि कोई मान लीजिए कोई दूसरे स्टेट में पोस्टिंग है और उसको जॉब चाहिए नहीं आपको 10+2 का, तो फिर वो एक बार सोचेगा, राइट। ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहला तो ये बेनिफिट है, समझिएगा ध्यान से। दूसरा देखो भाई, क्योंकि इस समय एक जॉब सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, जो कंडीशन चल रही है आपको भी पता है, कैसे भी करके एक जॉब सिक्योर करिए, उसके बाद आप फैसला करिएगा। देखो, दूसरा जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि जैसे जैसे ज्वाइनिंग आ रही, क्योंकि देखो अभी तक अगर ये ज्वाइनिंग नहीं आई होती और मान लीजिए CGL का 19 का रिजल्ट आ गया होता तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर नहीं आया है, देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आ गया होता तो क्या होता कि लोग इसके भी टाइपिंग में चले जाते, इसके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाते, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग में भी थोड़ा टाइम होता है, बिकॉज अभी प्रेफरेंस मांगी गई है पोस्ट प्रेफरेंस, राइट। लेकिन अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, तो यानी कहने का मतलब है CGL 19 का भी आगे खिसकेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, और CGL 18 का ज्वाइनिंग आ चुका होगा लोगों, और जिनको लोग अपना मेन पसंद की जो लोकेशन है, क्योंकि मेन SSC में इस समय है, आपको अभी नहीं पता है, अभी आप एक्साइज के सपने देख रहे हो कि चेन्नई चला जाओ, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तब आपको समझ में आएगा कि होम स्टेट इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कितना बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। इसको मान के अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप करोगे तब समझ में आएगा। तो जिनको मिल जाएगा, जैसे मान लो जो दिल्ली चाह रहे होंगे या कुछ लोग अपने जयपुर चाह रहे होंगे, अभी उनको डाउटफुल, उनको दुविधा है, जैसे ही ये स्टेट लोकेशन आ जाएगा तो वो श्योर हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ, कि मान लीजिए मैं UP से हूँ और मुझे नहीं पता कि यार मुझे कहाँ मिलेगा, और मुझे CGL 19 में भी मान लीजिए लो ग्रेड पे की कोई जॉब, मान लीजिए मैं 2400 ग्रेड पे के हिसाब से मेरे नंबर है, राइट। तो अगर मुझे मान लीजिए मेरा होम स्टेट या आसपास का स्टेट मिल गया, तो मैं क्यों जाऊँगा कराने ना डॉक्यूमेंट, उसका क्यों कराऊँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो जिनको होम स्टेट मिल जाए, क्योंकि सबकी बहुत लोगों की डिज़ायर है कि होम स्टेट मिल जाए, तो उस वो लोग स्किप करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का सेम ही ग्रेड पे मिल रहा है, 2800 ग्रेड पे पाया है वो इससे CGL 18 से,
और 19 से भी उसको लग रहा है कि वही लगभग पोस्ट, क्योंकि आइडिया लग जाता है जो देते हैं सीजीएल, पता चल जाता है कौन सी पोस्ट मिल पाती है आपकी। कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है ये, क्योंकि जब मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आइडिया लगा ही लेते हो आप, तो फिर आप सोचते हो कि यार चलो यार जब वही पोस्ट मिलेगा या उसी के उससे कम मिलेगी तो क्यों जाए, क्यों स्किप करा जाए। तो ये चीज़, तो दूसरा फ़ायदा आपको ये होने वाला है, राइट। तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नॉर्थ से पेपर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में जो सिलेक्शन होता है उसमें बहुत बड़ी जनता नॉर्थ इंडिया की होती है, यानी एनआर रीजन से पेपर देती है। एनआर का हेड ऑफिस दिल्ली है आपका, एनआर रीजन में जयपुर आ जाता है आपका, दिल्ली आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, ये आसपास के स्टेट आ जाते हैं, राइट। यहाँ से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और यही सीन सीजीएल 19 में भी है, सीजीएल 18 में भी काफ़ी बच्चे थे ऐसे। तो जब ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सीजीएल 18 से, और इनकी ज्वाइनिंग जैसे आ रही है मैं बता रहा हूँ आपको, तो सभी लोग तो दिल्ली में काम नहीं करेंगे, या फिर सब लोग कुछ लोग अपने स्टेट्स, जैसे मान लो कोई जयपुर ही का है, जयपुर चला गया, जयपुर के आसपास में है, या कोई मान लीजिए कोई अच्छा बहुत सारे लोग दिल्ली में रह के भी तैयारी करते हैं, है ना, कि बिहार के हैं, कोई दूसरे स्टेट के हैं, कोलकाता के हैं, वो लोग आके दिल्ली में तैयारी करते हैं, दिल्ली से फॉर्म भर देते हैं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई अपने स्टेट में हो गया सिलेक्ट, मान लीजिए मैं ही एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मैं कोलकाता से हूँ, मैं कोलकाता में सिलेक्ट हो गया, मैं दिल्ली में रह कर तैयारी किया था, अब मान लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है सीजीएल 19 का, और मैं वहाँ पोस्टेड हूँ, कोलकाता में ही मेरी मान लीजिए पोस्टिंग हो गई, अब मान लीजिए मैं ऑडिटर की पोस्टिंग में आ गया वहाँ पर, तो एक बार मुझे अगर सीजीएल 19 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, टाइपिंग कराना है, आपको पता है ये दोनों अलग अलग दिन पर होती है, टाइपिंग अलग दिन पे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होगा, तो इसके लिए मुझे दो बार ट्रैवल करके आना पड़ेगा। तो ये बताइए, मान लीजिए किसी के 2800 ग्रेड पे की जॉब है वहाँ पर, उसके 2400 के चांस है या 2800 के ही चांस है, या वो उस जॉब से सेटिस्फाई हो गया कि चलो मेरे को होम स्टेट चाहिए था, मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए देखूंगा या कुछ और है, वो स्किप करेंगे, आप मानिए इस बात को। आप कहोगे यार ये सब आप हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो, आप अंदाजे से बता रहे हो, ये हो भी तो सकता है, नहीं भी हो सकता, आप 10 सवाल उठा देंगे यहाँ पर, लेकिन मैं लोगों से डायरेक्ट टच में रहता हूँ, लोगों से डायरेक्ट बात में होती, मेरी बात होती है। जो लोग सीजीएल 18 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे वो सीधा मुझसे बात करके, जब मैंने अपना पेड सर्विस भी किया था बीच में, तो बहुत सारे लोगों से मैं डायरेक्ट कनेक्ट में हूँ, तो मैं इस बेसिस पर बातें कहता हूँ, राइट। जब मैंने कहा था कि TA की कट ऑफ हाई निकल रही है, लोग डाल रहे हैं, लोग नहीं, कुछ लोग नहीं सुने थे, कुछ लोग माने थे इस बात, वही चीज़ें हुई आपकी, राइट। तो ये बातें हैं, क्योंकि मैं लोगों से टच में, तो ये मैं सीजीएल 18 का तो मैं बिल्कुल गारंटेड ये सब बता सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों से अभी तक बातें होती हैं मेरी, और बहुत बड़ी जनता है, राइट। टेलीग्राम पे अगर 1200 लोग 1300 लोग हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग मुझसे डायरेक्ट टच में रहते हैं, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, इस बात को आप मान के चलिएगा, राइट। और जब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो आना यार, वाकई ट्रैवल करना, और कोरोना भी है आपको पता है कोविड की वजह से, तो एक होता है आपको भी ट्रैवल करने में थोड़ा सा लगेगा। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी को 4600 ग्रेड पे मिल रहा होगा, तो यार देखो 4600 ग्रेड पे मिल रहा होगा वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप एक मान के चलिए कि बहुत बड़ी भीड़ 2800-2400 की पोस्ट की भी होती है सीजीएल 19 में, और मान के चलिए कि अगर सेम मान लीजिए कि सीजीएल 19 में अगर हम सीजीएल 18 से देखें, आपको 50% कैंडिडेट वही रिपीटेड मिलेंगे आपको 18 वाले 19 में, राइट। तो अगर मान लेते मैं कहता हूँ 1000 भी पोस्ट ऐसी होती है, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी आपको, और बहुत बड़ी सीट निकलेगी, आपको अभी नहीं लग रहा है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो लो ग्रेड पे में तो बिल्कुल निकलेगी, राइट। इसको दिमाग में रख के चलना। अच्छा, अब हम आते हैं यार अगली बातों से, पहले मैं आपको बता दूं यार कि चैनल का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जब से मैं कोविड में इधर बीच में फंस गया था तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं करे, चैनल की थोड़ी सी रेटिंग गिर रही है, और उसके बाद व्यूज़ बहुत सारी चीज़ कम हो गई, तो थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए होगी कि सब्सक्राइब और ये थोड़ा देख सकते हो आप अगर कंटेंट अच्छा लगे, कोई फोर्स नहीं है मेरे तरफ से आपको, आपको पता है बहुत सारे आपने सपोर्ट किया, जब मैंने जनवरी से स्टार्ट किया आप लोगों ने 3 महीने के अंदर ही 1000, सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन बीच में मेरी भी गलती रही, मैं थोड़ा सा उलझ गया और फिर कोविड आ गया बीच में, तो नहीं हुआ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो थोड़ा देखिएगा इसके रिगार्डिंग भी। देखिए, चौथा जो फ़ायदा मैं बता रहा हूँ आपको कि SSC की जो लेट लतीफ़ी है, यानी जो इसका ये टॉर्चर, देखो SSC का एग्ज़ाम्स टफ नहीं होता, उससे ज़्यादा टफ जो होता है आपका वो होता है उसका प्रोसेस खतरनाक, ये आपकी झकझोर रख देगा, इसके लिए काफ़ी मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, लड़कियां, लड़के सब परेशान हैं इसके प्रोसेस से, बहुत सारे लोग से मेरी बात होती है, बस वो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, अब हाथ जोड़ लिए हैं SSC के इस प्रोसेस से, भले उनके सिलेक्शन हो रखे हैं सीजीएल 19 में भी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हाथ जोड़ रखा है, उन्होंने कह दिया कि अब मैं या तो UPSC की तरफ स्विच कर रहा हूँ या तो फिर मैं स्टेट PCS की तरफ स्विच कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने तैयारी शुरू भी कर दी है, राइट, ये मान के चलिए आप। तो बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से तंग आकर के अब सीजीएल 19 में हाथ डालने की कोशिश में नहीं है, और देख रहे हो कि ज्वाइनिंग जल्दी आ रही है, तो अगर ज्वाइनिंग जल्दी आ जाती है तो आप मानिए कि जब सीजीएल 19 और लेट हो रहा है, डिले होते होते रहेगा, तब तक लोग अपने दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे कोई UPSC की तैयारी में लग गया तो उस समय उसकी प्रिपरेशन बहुत फुल मोड में होगी, तो वो नहीं स्विच कर, मान लीजिए कोई ASO CSS लगा हुआ है, बहुत बड़ी भीड़ थी, 1000 से वैकेंसी थी आपकी, एक्साइज दिल्ली लग गया आपका,
वो नहीं, फिर अपना वो अगर किसी और चीज़ में है तो वो लगा रहेगा। बस दो तरह के अब एस्पिरेंट बन चुके हैं 18 में बहुत सारे लोग ये हैं जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तरफ स्विच किए हैं, या बहुत सारे लोगों ने अब सिर्फ जॉब के लिए सोचा है, अब आगे के लिए कट कर दिया एसएससी से बिल्कुल। आप मैं पर्सनली जानता हूँ कुछ होंगे जरूर जो ग्रेड पे के चक्कर में है और वो देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जनता बच्चे मान के चलिए कि इससे फेडअप हो चुकी है अब वो अपनी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जन चीज़ें मिल जाएंगी। देखो दिल्ली बहुत लोग को चाहिए था तो एएसओ सीएसएस मिल गया, एक्साइज दिल्ली में बहुत बड़ी वैकेंसी थी वो मिल गई लोगों को, है ना। तो इस तरह से लोगों को अपना बहुत ज़्यादा लोगों को अपना अपना पोस्ट मनचाहा मिल जाएगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो लोग सीजीएल 18-19 में सिलेक्ट हुए हैं, जो सीजीएल 18 के हैं, वो जब स्किप करेंगे ये सब तो उनको मिलेगा। अब लास्ट हम देखते हैं कि आखिर किसको फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होने वाला है इन सब चीज़ों से। देखिए सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा इससे, जो लोग लो ग्रेड मतलब जिनके मार्क्स कम है, बहुत सारे लोग हैं जिनके 18 में सिलेक्शन नहीं हो पाया था या 18 में वो एलिजिबल ही नहीं थे, 19 में उनके नंबर थोड़े कम है, राइट। तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आप कट ऑफ में चेंजेस देख सकते हो। देखो ये सब बातें आपको लोग जो कट ऑफ प्रिडिक्शन कर देते हैं साइड पर बता देते हैं, वो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि जब हर साल नॉर्मल रहता है, यानी सब लोग गए। लेकिन ये इफ़ बट वाली बातें होती वो वही बता पा रहा होता जिनके पास इतना कुछ लोगों से कांटेक्ट होता है, लोगों से पर्सनली। अब मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट चेक करना, सारा सबके कमेंट के रिप्लाई कर रहा होता, टेलीग्राम पे मैं लोगों से सीधा बात कर रहा होता, तो मुझे पता होता है मूड क्या है लोगों का। यही मूड मैंने चीज़ 18 में बताया था आपको, मैक्सिमम चीज़ें सही हो गई थी, राइट। तो जो लोग कम मार्क्स वाले हो बिल्कुल घबराना मत, आपके बहुत बढ़िया चांस है, बहुत अच्छे चांस है, राइट। बस मार्क्स का वेट है, जैसे आता है सब कुछ सही रहेगा, लेकिन नंबर भी कम है तो भी मत घबराइएगा। दूसरी चीज़, उनको बेनिफिट और होगा जिनके पोस्ट पर, मतलब जैसे मान लो कोई एक्साइज चाह रहा होगा, एक्साइज के लिए थोड़े कम नंबर होंगे तो उनको एक्साइज मिल जा रहा होगा। किसी लोग को चाहिए होगा कि मेरे को यार ये 2800 ग्रेड पे मिल जाता, 2400 के ही मार्क्स है, 2800 के चांस बन जाएंगे आपके, राइट। तो इसमें भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और बिल्कुल यार प्रोसेस लेट हो रहा है तो इसका बेनिफिट भी है आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया जा रहा है तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ध्यान में रख के चलना आप कि यार सीजीएल 18 की वजह से ज्वाइनिंग जो हो रही है, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि इनके ज्वाइनिंग हो रही है, आप मान के चलिए वो आपके लिए ही बहुत बड़ा बेनिफिट दे के जाएगा, राइट। जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते जाएंगे, अपने अपने काम पर पहुँचेंगे, लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, बहुत सारे लोग हैं जो अब अपनी चीज़ों से खुश होंगे और आप बाकी दूसरी चीज़ों में सोचेंगे, आपका भी बेनिफिट होगा, राइट। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा था, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। कोई दिक्कत है मुझे लिखिए, आप कोई भी तरह की मदद चाहिए आप मुझसे कहिए, मैं आपके साथ हूँ। सीजीएल 19, सीजीएसएल 19, सीजीएसएल 18 दोनों लोग सबके साथ में हूँ। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा, राइट। तब तक खुश रहिएगा, कोई भी दिक्कत है मुझे ज़रूर बताइए आप।